एक Q1 और एक Q2, तो वो आपस में स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, मैंने बोर्ड पे बड़ा दिखा दिया है, ये बहुत माइन्यूट डिस्टेंस R से सेपरेटेड हैं। तो क्या एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? ऑब्वियस जवाब है, दोनों फोर्सेस सेम है, प्लस साइन दिख रहा है मुझे, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो उससे क्या हमारे पास चीज आती है कि जो Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज Q1 के ऊपर कुछ फोर्स इस तरफ लगाएगा, और जो Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर कुछ फोर्स इस तरफ लगाएगा। इस फोर्स को हम नाम देते हैं F, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन F21, और इस फोर्स को नाम देंगे हम F12, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब ये फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कूलम्ब लॉ, यानी कि कूलम्ब लॉ समझ लेते हैं। अब कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। आपने ये फॉर्मूला की जगह और पढ़ा है क्लास 11th में, जहां पर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में भी दो अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्सेस हैं जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स कैसे हम निकालते हैं, F is equals to gmm by r square। वो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि फोर्स जो है Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेरे पास जो फोर्स हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square। अब हम अच्छे जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाते तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है, वो आता है के। तो हम उसे लिख लेते हैं, वो हुआ फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 by r square। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, तब कुछ चीजें हैं, जब वहां जी की वैल्यू बात करते हैं तो वहां जी की एक वैल्यू होती है, तो यहाँ के की भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो के की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं कि के के लिए हमारे पास जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो किसे लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे जो के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0, ये और ये दोनों सेम नोटेशंस हैं, बस राइटिंग का फर्क है। अब आपके पास जब हम बात करते हैं इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब इसको लिखूंगा, या फिर आप कभी भी जब पेपर में लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू 1/4π, एक सेकंड में से ये सब लिख देता हूं, फिर आपके पास जो फोर्स बनी वो बनी फोर्स इक्वल्स टू के, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 by r square। तो ये हुआ आपका फोर्स। अब इसकी कुछ वैल्यू होगी, इस के की वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू है 9×10⁻⁹ कूलम्ब, सॉरी न्यूटन, कूलम्ब इन स्क्वायर इनवर्स मीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो फोर्स है वो क्या है, के की 9×10⁹ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी कि जो के है उसकी वैल्यू इतनी आती है। पर ये आपको याद रखनी है, ज्यादा पेपर्स हमको गिवन होगा, बट ऐसा भी आप कर सकते हो। डिस्कस किया कि अभी हमारे पास के की वैल्यू ये होती है, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, अगर इसको हम के इक्वल्स के नीचे जाए
एप्सिलॉन टू पर 1/4 पाई के की वैल्यू इतनी होती है, इसको डिवाइड कर दो 4 पाई से, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻²। और जस्ट इसका उल्टा लिखना है हमें यहाँ पर, यानी कि न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास हुई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो आज की क्लास में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हमने पढ़ा हमारे पास जो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, हम कैसे एक चार्ज जो जनरेट हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कि उस पर चार्ज इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। हमारे पास आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी मैंने कहा जो Q1 है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और जो Q2 है वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है Q1 से, तो इसमें क्या बात आ, तो इसमें क्या बात सामने आती है कि आपके जो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम सभी ने वेक्टर्स पढ़ा है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टरली वेक्टर फॉर्म में वेक्टरली हम इनके फोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।